बैठकों के माध्यम से लोगों में भर रहे हैं उत्साह संतराम शर्मा। भाजपा के रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उत्साह पूर्वक पिंजौर पहुंचने पर किया जाए भव्य स्वागत। पिंजौर नालागढ़ रोड रविदास मंदिर परिसर में व्हाइट हाउस के MD एवं भाजपा वरिष्ठ नेता संतराम शर्मा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से उन्होंने लोगों को आने वाली 17 जुलाई को पिंजौर HMT सेब मंडी का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सम्मान पूर्वक स्वागत करने के लिए निमंत्रण दिया। ज्ञात रहे कि संतराम शर्मा द्वारा निरंतर बैठकों का आयोजन कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और बैठकों के माध्यम से वह लोगों के साथ साथ भाजपा के रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मनाने का काम कर रहे हैं और उनमें पूरा जोश भर रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को मिलेगा। गौरतलब है कि संतराम शर्मा की हर वर्ग के लोगों में समाज सेवक के रूप में अपनी एक अनोखी पहचान है और इसीलिए उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन भी मिल रहा है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था के साथ बैठकर वह लोगों की समस्याओं को जान भी रहे हैं और जन जन तक नायब सिंह सैनी का संदेश भी पहुँचा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में लोगों की समस्याओं को लेकर उनकी टीम विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसमें कि लोगों की समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि आने वाली 17 जुलाई के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने को लेकर पूरे जोश व उत्साह से वह काम कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि लोग भी उत्साह पूर्वक उनके साथ प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी का पिंजौर में स्वागत करने के लिए तैयार है। विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री BS बंधु जी, रिटायर्ड DGP हरियाणा, श्री राम कुमार बौरिया जी विशेष अतिथि, श्री चंद जी बालकराम जी व आज के कार्यक्रम के श्रोता के रूप में आए देवतुल्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों और मंच पे विराजमान स्वामी जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। जिस तरह से एक अच्छा इंजीनियर एक मशीन की तामीर करता है, वैसे ही बाबा साहब ने सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान का जो कानून है वो बनाया है, संविधान बनाया है, जिसके मुताबिक आज हमें सभी वर्गों को, सभी जातियों को उनका हक मिल रहा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, ये सब उनकी देन है। उन्होंने ये कार्य करके हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में भी अपना नाम कमाया है और ये कार्य उन्होंने बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में किया है। बहुत बार उनको अवमानना भी झेलनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैं आपके समक्ष, जैसे जितेंद्र जी ने बताया है, सदा ही बाबा जी साहब के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैंने इनको कह रखा है कि आप हमारे वहां कर सकते हैं। पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन हमने 51 किलो का केक काट कर मनाया था, काफी लोग उसमें यहाँ बैठे भी थे, सबको पता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बाबा साहब का या समाज का कोई भी कार्य हो, व्हाइट हाउस या व्हाइट कैसल के दरवाजे और मेरा मन आपके लिए खुला है। मैं जो ये पुस्तक आज लिखी गई है जगवान जी द्वारा, ये अमरावती में रहते हैं और इनके अंदर गुण बहुत हैं। अभी आप सबने हमने देखा है, ये गायन भी करते हैं और म्यूजिक भी बजाते हैं, तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी है। और इनको जो हौसला है वो ये पुस्तक जो है पढ़ने के लिए, इन्होंने जो आपके समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके लिए बनाई है। पुस्तक का मतलब ये है कि आप इसको लेके अपने आने वाले भविष्य में, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए ये लिखी जाती है पुस्तकें। आज जितने भी शास्त्र सनातन धर्म में लिखे हुए हैं वो भी ऐसे ही कभी किसी ऋषि मुनियों ने लिखे थे, लेकिन आज उनके मुताबिक ये समाज हमारा चल रहा है। ऐसे ही ये पुस्तक आज इसका विमोचन हो रहा है, लेकिन
दिशा निर्देश देगी। सभी बच्चों को ये पुस्तक पढ़ानी चाहिए। हम ये नहीं है कि ये पुस्तक को पुस्तक के रूप में ही रख दें। जब हम इसको पढ़ेंगे तो बाबा साहब के जो असूल थे, उनकी जो जीवनी थी, उन्होंने किस परिस्थितियों में ये राष्ट्र निर्माण का जो संविधान हमारा बनाया, लोकतंत्र का, कैसे बनाया और कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो सब कुछ इस पुस्तक में हमें मिलेगा। मैं यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं एक अपनी प्रार्थना भी आप लोगों से करूँगा कि 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी HMT में एक मंडी बनी है, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ सभी जो भी बुजुर्ग निवासी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि 11 बजे आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनिए। आपको थोड़ा अलग अंदाज मिलेगा उनका। हम 2 महीने से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, वो बहुत मिलनसार हैं। मुख्यमंत्री वाली कोई उनमें मैंने बात नहीं देखी, कोई भी आम नागरिक उनसे मिलता बड़े हंसमुख और बड़े ही अच्छे स्वभाव से मिलते हैं और समस्याओं का बड़ा हल कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली देखकर हम सब उत्कायल हैं और आप उनको सुनिए। धन्यवाद।